तो फ्रेंड्स, ये RSW यानी स्काईवे सिस्टम है जो आपने देखा ही होगा, पहले से ही काफ़ी दिनों से इसको देख रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक इसमें निवेश नहीं किया है तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये सोच रहे हो यहाँ पर पैसा लॉस जाएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ पर इंतज़ार करना ही पड़ता है। आप ये समझ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आज कोई कंपनी आई और हम 10 पैसे का कॉइन खरीद लेंगे और 10 दिन बाद वो 100 गुना हो जाएगा, हम उसमें निकाल के और अपने बैंक में ले लेंगे, अपनी ज़िंदगी लाइफ सेट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जल्दी जल्दी में। और आप ये अगर सोच रहे हो कि ये कंपनी आई और इसमें 1 महीने में टॉप पर पहुंच गई है, तो वो कंपनी 1 महीने में टॉप पर पहुंच तो ज़रूर गई है, लेकिन वो बर्बाद भी जल्दी हो जाती है। जो बहुत जल्दी हाई लेवल पर जाता है वो बर्बाद भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो कंपनी धीरे धीरे चलती है वो सारे रिस्क मैनेजमेंट करके ही चलती हैं, कहाँ पर क्या करना है वो सारे, ठीक है? तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती, बेकार नहीं होती, स्कैम नहीं होता। बाकी कुछ ऐसी कंपनी आ जाती है जिसमें स्कैम हो जाता है, वो जल्दी जल्दी में प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और इतना ज़्यादा उसमें दिखा देते हैं, हाई फाई बढ़ाकर और विड्रॉल देना शुरू कर देते हैं, हाई फाई के लोगों को विश्वास हो जाता है, फिर और लोग उनके पीछे पीछे आ जाते हैं, वो भी निवेश कर देते हैं, तो वो सारा निवेश आपका बेकार जाता है। और कुछ ही दिन में अब लोगों को विश्वास हो जाता कि यार ये तो विड्रॉल देने लगा है, फ्री में कॉइन दिया था और विड्रॉल भी मिल गया, क्या बात है, वाह वाह वाह। और उसी के चक्कर में और भी लोग हैं वो फंस जाते हैं और कंपनी बंद हो जाती है, यानी वो फरार हो जाते हैं। और ऐसा जाने कितनी बार हुआ है। तो जो काफ़ी लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है, निवेश करें उसमें, देख समझ कर निवेश करें, ठीक है? आपको प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के बाद होगा, लेकिन होगा। आप ये चाहते हैं कि रातों रात ये कमाल हो जाए, तो कभी नहीं हुआ। आप उसमें इतना ही पैसा लगाएं जो अफोर्ड कर सकें। मतलब ये है कि अगर आपने आज पैसा लगाया और 6 महीने बाद कह रहे यार मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो ना लगाएं, आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने कहा है कि 1 साल बाद प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है 1 साल बाद प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। प्रोजेक्ट है, जैसा फंड आएगा, जैसा काम होगा, उनके अपने हिसाब से होगा। आप जब कोई भी काम सोचते हैं करने के लिए, कदम उठाते हैं, तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप के यहाँ बारात का फंक्शन है, बारात जानी है आपके यहाँ से कहीं दूसरी जगह, आप अपने हिसाब से कार्ड पे लिखा दिया कि अरे बारात में सभी रिश्तेदार इतने बजे पहुँच जाएँ और इतने बजे बारात घर से चालू हो जाएगी, चलना शुरू होगा, वहाँ पहुँच जाएगी, कार्यक्रम इतने बजे का रहेगा। लेकिन अब उनके ऊपर निर्भर करता है, अब वो सभी आपकी मर्जी से नहीं आ जाएंगे लोग, फिर भी उसमें लेट लपेट हो जाता है। तो ऐसा आपने जो सिस्टम बनाया है सही है, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है? रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी। जैसे मान लीजिए आपने कोई किराने की दुकान खोली है, उसके लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप अपने हिसाब से अगर काम कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर के हिसाब से भी काम करने पड़ेंगे, तब और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर विजिटर आते ही रहते हैं, स्काईवे में विजिटर आते ही रहते हैं, अलग अलग कंट्री के विजिट करते हैं और यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है वो देखते हैं अच्छा। और हर कंट्री में, अलग अलग कंट्री में प्रोजेक्ट लगेगा, प्रॉफिट भी होगा सभी को। और ये देखिए यहाँ पर रेल हेड बन रहा है, ये मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पर काम चल रहा है ट्रैक 4 के लिए, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर जो शारजा में ये ट्रैक बना हुआ है वो सब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इस न्यूज़ को आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं और अपनी आईडी पर भी आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही आगे निकल चुका है, ठीक है? और इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपने निवेश नहीं किया है, तो निवेश कर सकते हैं। अभी क्या है, $25 का आपको गिफ्ट वाउचर बिल्कुल फ्री में मिलता है। आप $50 का पैकेज लेंगे तो $25 का ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन नहीं है, ये रियल डिज़ाइन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसके बाद जो पहले डिज़ाइन आते थे, ग्राफिक डिज़ाइन भी काफ़ी होते थे, अब जैसे इसको ग्राफिक डिज़ाइन, ये ग्राफिक डिज़ाइन नहीं है, ये वहीं का है, शारजा का ही है। और ग्राफिक डिज़ाइन में आपको भी दिखाऊंगा, ये ग्राफिक डिज़ाइन हो सकता है, ये ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है? और ऐसा ही होगा।
और काफ़ी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका यूज काफ़ी अच्छा होगा इंडस्ट्रियों के लिए। और ये ग्राफिक डिजाइन नहीं है क्योंकि जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है वहाँ पर सेब यानी एप्पल के वहाँ पर पेड़ हैं और काफ़ी वहाँ पर एप्पल हैं अच्छे, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये रियल फोटो है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से यहाँ। इसके बाद में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन का यहाँ पर लोग आते रहते हैं, जैसे इजराइल के लोग यहाँ पर विजिट करने आए हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए सऊदी अरेबिया से लोग विजिट करने आए हैं। सऊदी अरेबिया वही जहाँ पर बीटर का प्रोजेक्ट लगेगा, जहाँ पर लेनियर सिटी बन रही है, बहुत लंबी सिटी बन रही है वहाँ पर, जहाँ पर बीटर टेक्नोलॉजी और RSW यानी स्काईवे प्रोजेक्ट लगेगा। और ये है स्ट्रक्चर मटेरियल्स, यहाँ पर इनोवेशन चल रहा है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को सभी लोगों के साथ शेयर करें, सभी लोगों को बताएं, जो भी आपकी टीम है उनको बताएं। और यहाँ पर रिसर्च चल रहा है, अपने हिसाब से ही कोई भी छोटा पैकेज लें, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप अपने बजट को देख लें तभी आप लें। ऐसा ना हो आपके पास यानी आपको 6 महीने बाद ज़रूरत पड़े, 1 साल बाद ज़रूरत पड़े, तब आप कहें मुझे तो पैसे की ज़रूरत है, यहाँ से कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो कंपनी ने कहा है कि 1 साल बाद इसमें प्रॉफिट होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है 1 साल बाद प्रॉफिट हो जाए, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए अब जैसे दुलेरा में प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ है तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बन गया है, स्मार्ट सिटी जो बन रही है, तो वहाँ पर क्या 2009 से बन रहा है काम चल रहा है, कोई छोटा मोटा तो काम है नहीं। अब अपना घर बनाते हैं उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन घर तो छोटा जैसा होता है, वैसे तो वहाँ पर जाने कितनी बिल्डिंग्स, जाने कितने क्या क्या प्रोजेक्ट, सारे ग्रीन प्रोजेक्ट लगेंगे। तो वहाँ पर प्लॉट अभी जैसे बुकिंग हो रही है, प्लॉट खरीद सकते हैं सस्ते में, और आने वाले दिनों में वहाँ पर बहुत महंगाई होगी, तो वही प्लॉट बहुत ही महंगे जाएंगे। तो लोग पैसे लगा रहे हैं, पूरे देश से पैसे लगा रहे हैं, इधर उधर सब कंट्रियों के लोग हैं, अलग जो बाहर रहते हैं वहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ पर आ रहे हैं, प्रदूषण फैलाने वाले नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पैसे निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट में जैसे बीटर टेक्नोलॉजी है, स्काईवे है, ठीक है, और सोलर ग्रुप है, इनमें पैसे लगाएं, जो टेक्नोलॉजी है उसमें पैसे लगाएं। आप क्रिप्टो करेंसी ऐसे प्रोजेक्ट जो मीम कॉइन है उसमें अब 100 कंपनियाँ आती हैं, अब 100 कंपनियाँ फ्री में दे रही हैं कॉइन, तो आप लोग खरीद लेते हैं या फिर पैसे देकर आप खरीद लेते हैं। चलो एक पैसे का ही है, अभी 2 महीने बाद लिस्ट हो जाएगा तो ये $1 का हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके $10 भले ही आपने $10 ही लगाए हो तो चले गए, और $10-10 करके अगर आप 50 कंपनियों में पैसे लगाते हैं तो सोच लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए कितना जाता है आपका। और उसमें सिर्फ मान लीजिए सारी की सारी भाग गई, 5 ही कंपनियों ने प्रॉफिट दिया, तो 5 कंपनियों का प्रॉफिट कितना होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो वो प्रोजेक्ट में पैसे लगाएं जो लंबे समय से चल रहे हैं, जो आगे भी चलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट में दम होना चाहिए, ऐसा नहीं उसमें प्रोजेक्ट में कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब लगाते ही जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं, आपने डाउनलाइन में भी बोल दिया लगा दो, इसमें घुस जाओ उसमें घुस जाओ, ऐसे बहुत सारे आपको अपलाइन भी मिलेंगे जो कहेंगे कि इसमें लगा दो, हमने आज ये नया प्रोजेक्ट भेजा है इसमें भी लगा दो, लगाते जाओगे आप। अब आप सोच रहे हैं यार पैसे तो मेरे पास ख़त्म हो गए, अब किस में लगाऊँ, अब पैसे लगाने के लिए नहीं है, अब उसमें पैसे निकलें तो हम दूसरे में लगाएं तो उसमें निकलेंगे कब पता नहीं। ठीक है, तो उसमें अब निकलेंगे कब, जब प्रॉफिट होगा कंपनी को तभी तो निकलेंगे। अब कंपनी ही प्रॉफिट में नहीं है, उसका प्रोजेक्ट ही नहीं पूरी तरह से बना हुआ है, आप पैसे लगाते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, प्रोजेक्ट में आखिर है क्या, क्या चल रहा है, लंबे समय समय से कहीं ये आ रहा वो आ रहा, ये आ रहा वो आ रहा, पहली आई पहला प्रोजेक्ट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लेकिन पहले प्रोजेक्ट का ही कोई निस्तार नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे ना लगाएं, सोच समझ कर पैसे लगाएं, जो प्रोजेक्ट अच्छा हो उसमें पैसे लगाएं, जो ये समझ में आ रहा हो हाँ इसमें प्रॉफिट मिलेगा तो ही लगाएं, और सब अपनी पूंजी लगा ही ना दें, कुछ अपने लिए भी रखें, पता लगा सब बर्बाद कर दिया आपने। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने निवेश नहीं किया है तो कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से ही करें। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।